हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। ये रुझानों में जो संकेत मिल रहे हैं अर्जुन जी, वो कितना विश्वास बढ़ा रहे हैं आपका और आगे बढ़त का या फिर मुश्किलें? हमारे कोई मुश्किल नहीं है। अभी जहां जहां आ रही हैं, ये रुझान हमने पिछले 2019 का से जहां जहां रुझान थी, जहां जहां हम जीते थे, उससे अलग हटकर ये रुझाने हमें सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात, मैं आपकी बात सुन रहा था कि आपने कहा कि मुस्लिम वोट या विरोधी जो वोट है बीजेपी का, वो एक मुश्त जा रहा है टीएमसी के, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे सुजापुर, हसन, मालदा की, मुर्शिदाबाद की बागमुंडी, ये सब सीटों पर लेफ्ट जो संयुक्त मोर्चा की सीटें हैं, वहां इनको पहले रुझान में बढ़त मिल रही, तो ये बहुत ज्यादा अर्ली होगा हम किसी भी विचार को प्रकट करने में। हमें विश्वास है कि हमारा जो आंकड़ा था, हम जो चाहते थे, वो आंकड़ा हम निश्चित रूप से हम सरकार की तरफ जा रहे हैं। और ये जो रुझाने आई हैं, ये रुझाने हमें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जो हमारा परंपरागत जो सीट था वहां के अभी रुझाने आ नहीं। एक और सवाल, तो आपके बेटे खुद चुनावी मैदान में है, पवन सिंह जी भटपारा से, उनको लेकर अब तक का क्या है आंकलन आपका? जीत रहे हैं? वो तो जीतेंगे ही, वो तो हमारा परंपरागत सीट है आज से नहीं, वर्षों से। तो उस सीट के लिए कोई बहुत ज्यादा मुझे सोचना भी नहीं है, चिंता भी नहीं है। हम पूरे बंगाल के बारे में आपसे यही बताएंगे कि हम अच्छे मजबूती के रूप में हम आगे बढ़ें। ममता बनर्जी के जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, उन्होंने दावा किया था कि आप लोग 100 सीटों के अंदर सिमट जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनका दावा गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 96 के आसपास बीजेपी पहुंच चुकी है और यकीनन इसको क्रॉस करेगी। लेकिन क्या 147 जो बहुमत का आंकड़ा है, वो भी बीजेपी छू पाएगी? वो भी तब, जब लगातार शुरू से ही तृणमूल कांग्रेस आपके ऊपर बढ़त बनाए हुए है कम सीटों के मार्जिन से ही सही। ममता बनर्जी खुद पीछे चल रही है, 103 पर टीएमसी, 97 पर बीजेपी। और सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे दें, 292 में से नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। पहले दौर की गिनती में शुभेंदु को 14,997 वोट से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है विधानसभा, बिल्कुल विधानसभा की किसी भी सीट के लिए 14,000 से ज्यादा वोटों से आगे चलना एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन हम साथ में आपके सामने स्पष्ट करते जाएं, शुरुआती अभी मतगणना है, 1.5 घंटे का लगभग मतदान हुआ है, लेकिन 14,997 वोट से शुभेंदु अधिकारी का आगे होना एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट्स की गणना चल रही है और हमें इंतजार करना होगा नतीजों का। ये रुझान है, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन जी, ये बढ़त बहुत बड़ी है टीएमसी से। आप भी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आए, आपके क्षेत्र में हमने देखा है किस तरीके से लोग त्रस्त थे उस राजनीतिक हिंसा से भी, लेकिन आज की तारीख में अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को इस तरीके से चैलेंज कर पा रहे हैं, तो ये लोगों के मन में से क्या संकेत दे रहा है? सीधे तौर पर ये माफ कीजिएगा, हम एक गलती अपनी हम सही करना चाहते हैं, माफ कीजिएगा। 14,000 नहीं, ये आंकड़ों की गलती हमारे सामने आई थी, 14,000 नहीं है, ये 1500 पहले दौर की गिनती में 1500 वोट से आगे हैं, माफ कीजिएगा। हम इस माफी के साथ ये सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर ममता बनर्जी वहां पर पीछे चल रही हैं, जो कि 2007 में नंदीग्राम से ही उन्होंने जो अपनी बड़ी जगह बनाई थी नंदीग्राम आंदोलन के बाद, तो ये यकीनन टीएमसी के लिए बहुत चिंता का सबब हो सकता है। और ये परिपाटी अगर चलती रही, ममता बनर्जी क्या नंदीग्राम से चुनाव हार जाएंगी, इस बात को लेकर वहां पर कयास भी लगातार लग रहे थे। टीएमसी से कौन हमारे साथ जल्दी से बताएगा, लेकिन उसके पहले अर्जुन जी आपकी प्रतिक्रिया, 1500 का ये आंकड़ा है, ममता बनर्जी पीछे चल रही है, आपको लग रहा है शुभेंदु अधिकारी जीत जाएंगे नंदीग्राम? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी जरूर जीत रहे हैं, और ये चुनाव के दिन ही फैसला हो चुका था कि ममता बनर्जी 2 घंटा अगर किसी बूथ में बैठती हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि ममता बनर्जी का हताशा उस दिन साबित हो गया था और उस बूथ पर पहुंची थी जहां बीजेपी के लोग वोट
देने से बीजेपी का गांव वोट का परसेंटेज रोकना चाहती थी, इसीलिए उस जगह पर वहां पहुंची। लेकिन नंदीग्राम की जनता जो है एकदम बीजेपी के पक्ष में है, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शाकिर अली साहब, ममता बनर्जी तकरीबन 1500 वोटों से पीछे चल रही हैं नंदीग्राम में, और दावा बीजेपी का यह है कि नंदीग्राम तो हार जाएंगी ममता दीदी और साथ ही सत्ता भी गवाएंगी पश्चिम बंगाल की, क्या कहेंगे इस पर आप?